तो दोस्तों मैं आज के एजेंडे में जो लास्ट पूजा खंडा है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब तक काफ़ी थक चुका हूँ मैं, मेरी बूथ आवाज़ ही नहीं निकल रही। ये मेरा तीसरा ट्रैक है, लेकिन पता नहीं आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं। तो इसके बाद कोशिश करूँगा इसको कल तक अपलोड करने की, अगर नहीं कर पाया तो परसों सुबह तक आपको मिल जाएगा ये पूरा। आप ये देखिए पीछे है मेरा बुधियाली का पूजा मंडप। मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगा, आप देखिए ज़रा। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पे, खुला खुला मंच है। लोग आ रहे हैं और साइड से निकलते चले जा रहे हैं। जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सूर्योचित संघ का देख के आया हूँ, इतना गंदा व्यवस्था है वहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने किया है। होप इसी तरीके से अगर पूजा मंडप तैयार हो तो बाकी सभी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही हेक्टिक रहा है आज, तो जल्दी मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। आप आगे से इसका आनंद लीजिए और मेरा सप्तमी का शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। अग्रिमली मैं कह रहा हूँ कि अष्टमी का भी शुभकामनाएँ मैं आपको पहले से ही दे रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आगे के साल आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और आपके जो रुके हुए काम, जो जेन्युइन काम है, लीगल काम है, वो ज़रूर पूरे होंगे। तो इसी शुभकामनाएँ के साथ आज का जो ये बुधियाली का आखिरी मंडप है उसको आप देख लीजिए, फिर आगे हम मिलते हैं। देखिए चारों तरफ काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है। और मेरी और मेरा माँ दुर्गा से यही अपील है कि भाई अगला साल सबके लिए अच्छा जाए। मेरा तो यहाँ से निकलने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। ये जो आप देख रहे हैं इसका मैं ऐड तो नहीं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एम्बुलेंस एंड ब्लड का ये एक ऐप है, एम्बी पाल्म ओके एम्बी पाल्म के नाम से है। तो ये नया लॉन्च हो रहा है और ये एम्बुलेंस सेवा प्रदान करती है।
जो कि ओला उबर की तरह ही है, कोई बार्गेन नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसका जिन जिन की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इसका सदुपयोग करें। थैंक यू। तो ये मोदियाली का जब मंडप से मैं निकल रहा हूँ, मेरा यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। जितनी भी थकान थी वो चली गई है। यहाँ का पंडाल और जो व्यवस्था देख के बहुत ही बढ़िया प्रतिमा देखने को मिली यहाँ पे। अभी तक का जो सबसे शेरा कहता हूँ, सबसे अच्छा जो पूजा लगा है मुझे इतने दिन, दो दिनों में बहुत ही बेहतरीन है। कोई रोक टोक नहीं है, आओ और साइड से चले जाओ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है उन्होंने। और मेरे ख्याल से इसी तरीके से सबको पूजा को संपन्न करना चाहिए। चलिए, जाते जाते एक अच्छा पूजा देखने को मिला मुझे और शायद आपको भी। तो अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, आसपास का ख्याल रखिए। और क्या, मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब वक्त आ गया है कि आप लाइक और शेयर भी करें। ओके, धन्यवाद, टाटा।